आप सबको जय भीम। मुझे बेहद खुशी है कि मैं यहाँ आया, चांस ही था, मैं सिटीजनशिप वाले के लिए आया। और सदन में जो हो रहा आप सब देख रहे हैं, अगर इस तरह की एकजुटता हमने नहीं रखी तो आज संविधान की प्रस्तावना खतरे में है। एक बिल आ रहा है, आप सब जानते हैं, उस बिल से इस मुल्क का हर परेशान हाल आदमी, मुसलमान, दलित, पिछड़ा मारा जाएगा। हम कागजात इकट्ठा नहीं कर पाएंगे और ये कहेंगे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है इस मुल्क में। अगर इन चीजों को रोकना है, आरक्षण पे जो हो रहा है आप सब देख रहे हैं, रातों रात व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। और जब पिछड़ों, दलितों के आरक्षण का मसला आता है तो कई ऐसी तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। पहले भी कहा था कई लोगों ने, सड़क की ताकत संसद की दिशा तय करती है, संसद की ताकत सड़क की दिशा तय नहीं करती है। मैं आप सबसे कहूंगा, हर जगह हलकान मचा दीजिए, हर जगह, कारखाने में, कॉलेज में, स्कूल में, सड़कों पे, तभी ये पहरी सरकार जागेगी और तभी हमें हमारा हकूक मिलेगा। जय भी संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है। एक बार जोर से बोलिए, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। शुक्रिया। जय नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।